हैरी मेट सेजल को मिले एवरेज रिस्पांस के बाद एसआरके ने कहा की पार्टी। रणवीर सिंह की एक नौटंकी फिर हुए वायरल। सुशांत ने कब और कहा कृति को दिए फ्लाइंग किसेस। एक दूसरे को गले लगाकर रोए करण जौहर और काजोल। शाहिद कपूर के नखरों से कौन है परेशान। प्लैनेट बॉलीवुड की शुरुआत बर्गर किंग क्रिस्पी वेज न्यूज के साथ। जब हैरी मेट सेजल को बॉक्स ऑफिस पर मिले एवरेज रिस्पांस के बाद कहा जा रहा था कि शाहरुख खान नहीं है बहुत ज्यादा खुश, लेकिन कल रात शाहरुख को हमने स्पॉट किया पार्टी करते हुए। क्या एसआरके जब हैरी मेट सेजल को भूलकर बढ़ गए हैं आगे? देखिए आज का बर्गर किंग क्रिस्पी वेज, अ फ्रेश एंड क्रिस्पी डिलाइट स्टोरी। बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे एक पार्टी अटेंड करने, लेकिन इस पार्टी की शान रहे किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान। एसआरके लुक्स डैपर इन ब्लैक। यहां किंग खान ने शटरबग्स के लिए किया पोज। वैसे न्यूज तो ये आ रही थी कि फिल्म जब हैरी मेट सेजल को मिले नॉट सो गुड रिस्पांस के बाद शाहरुख का मूड है बहुत खराब और इसीलिए वो नहीं कर रहे हैं किसी से मुलाकात। लेकिन इस पार्टी में अपनी स्टाइलिश एंट्री से बादशाह खान ने ये प्रूफ कर दिया कि ये सब न्यूज है गलत। आफ्टर ऑल शाहरुख को शो बिज में हो गए हैं 25 सालों से ज्यादा, ऐसे में वो फिल्म्स की गुड और बैड परफॉर्मेंसेस को हैंडल करना बखूबी जानते हैं। खैर जहां तक इस पार्टी के बाकी गेस्ट की बात की जाए तो यहां कई और बी टाउन स्टार्स आए नजर। यहां हमने स्पॉट किया शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बासु विद हर हस्बैंड, प्रीति जिंटा, आथिया शेट्टी, सूरज पंचोली, एकता कपूर, आनंद एल राय, सोनू सूद, सुनील शेट्टी, नवाजुद्दीन जैसे कई और सेलेब्स को। वैसे इस पार्टी को अटेंड करने आए जैकी श्रॉफ यहां दिखे काफी अच्छे मूड में। उन्होंने यहां अपने फैंस के साथ क्लिक करवाई कई पिक्चर्स। कुल मिलाकर ये पार्टी रही काफी हैपनिंग। संदेश अगाते, जूम मुंबई। ऋतिक रोशन के बॉलीवुड करियर को लेकर भले ही उठ रहे हैं कुछ सवाल, लेकिन ब्रांड वर्ल्ड में ऋतिक की पकड़ नहीं हुई है कम। ऋतिक ने साइन की है 100 करोड़ रुपीस की डील। शाहरुख, सलमान, आमिर को छोड़ा ऋतिक रोशन ने पीछे। ऋतिक रोशन का बजा ब्रांड वर्ल्ड में डंका। ऋतिक रोशन ने साइन की 100 करोड़ की डील। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन ने भले ही काबिल की सक्सेस के बाद अभी सिर्फ अपने ही प्रोडक्शन हाउस की फिल्म क्रिश 4 पर फोकस किया हुआ है, लेकिन ब्रांड वर्ल्ड में ऋतिक का अभी भी दबदबा कायम है। खबर है कि ऋतिक ने एक हेल्थ एंड वेलनेस स्टार्टअप के साथ 100 करोड़ की डील साइन की है। बताया जा रहा है कि ऋतिक अपने लाइफस्टाइल एंड फिटनेस ब्रांड के जरिए इस स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि जिस कंपनी के साथ ऋतिक ने 100 करोड़ की ये डील साइन की है, उसका इरादा आने वाले 5 सालों में देश भर में 500 आउटलेट्स ओपन करने का है। Well, इस न्यूज से पता चलता है कि ऋतिक रोशन बाकी स्टार्स के मुकाबले ब्रांड वर्ल्ड में अब भी हॉट फेवरेट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। कंगना रनौत ने माना कि वो कर देती है अक्सर लोगों की ईगो हर्ट, लेकिन अपने हक के लिए वो कर सकती है किसी से भी झगड़ा। फिल्म सिमरन के ट्रेलर लॉन्च पर एक बार फिर दिखा कंगना का बेबाक अंदाज। कंगना रनौत की फिल्म सिमरन का हुआ ट्रेलर लॉन्च, जहां फिल्म मेकर्स के साथ नजर आई कंगना।
इस इवेंट पर कंगना ने बताया कि कैसे उन्होंने किया हंसल मेहता की ईगो को हर्ट। बहुत साल पहले मैंने उनको ऑफिस बुलाया था एक स्क्रिप्ट के नरेशन के लिए, बहुत अर्ली डेज में। तो गैंगस्टर के जस्ट बाद मैंने बुलाया था और मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से नरेशन दिया था कि ये तो हाँ ही कहते हैं, बाकी कोई मुझे वैसे भी हाँ नहीं कहता। ये हाँ कह रही है। मुझे कहा कि ये तो करी लेगी, इसको ना इंग्लिश आती है, ये पहाड़ी है एकदम वहाँ। हाँ मना कर दिया मेरी। ये मुझे बिल्कुल ये इंसिडेंस याद नहीं है, लेकिन ये जिन लोगों के साथ मैं गई थी वहाँ पे, आई थिंक भूपी जी मैनेजर थे, तो तब मुझे लगा कि सच बोल रहे हैं, नहीं पहले मुझे लगा कि ये झूठ कह रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये मुझसे इनकी ईगो काफ़ी हर्ट हो गई थी। तो ये मेरी जिंदगी की कहानी है, चाहे मुझे याद हो चाहे नहीं, लेकिन ईगो मैं ज़रूर हर्ट करती हूँ। वैसे यहाँ कंगना का इशारा किस तरफ था ये कोई भी समझ सकता है। इनकी ईगो काफ़ी हर्ट हो गई थी। तो ये मेरी जिंदगी की कहानी है, चाहे मुझे याद हो चाहे नहीं, लेकिन ईगो मैं ज़रूर हर्ट करती हूँ। कंगना रनौत का नाम बॉलीवुड के कई बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज में आ चुका है। ऋतिक के साथ लीगल बैटल और करण जौहर के साथ हुई नेपोटिज्म वॉर की वजह से वो सुर्खियों में रह चुकी हैं। लेकिन फिर भी उनके इस बेबाक एटीट्यूड को काफी पसंद भी किया जाता है कि मुझे अपनी हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है, हर चीज मुझे लड़के ही मिलती है, चाहे कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज। अब वो ऐसा ही है, मेरी किस्मत ही ऐसी है या मेरी लाइफ ही ऐसी है, सो आई मेड पीस विद इट। और एक आई थिंक ये मेरी जिंदगी का एक नियम सा बन गया है, तो मुझे इससे अब कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप में से कुछ लोग हैं जो कि सोचते हैं कि टू बी और नॉट टू बी, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको बिल्कुल ही जैसे बगावत करने वाले या रेबल या लड़ाकू या जो भी कहें, आई डोंट टेक एन ऑफेंस, अच्छा है जैसा है वैसा है, बट जो मेरा हक है वो तो मुझे लेके ही रहना है, चाहे लड़के मिले चाहे कैसे भी मिले। नेपोटिज्म कंट्रोवर्सी को लेकर एक इवेंट पर कंगना की गैर मौजूदगी में सैफ, वरुण और करण ने उड़ाया था कंगना का मजाक, जिसके जवाब में कंगना ने लिखा था एक ओपन लेटर, पर अब इसके बारे में कंगना नहीं करना चाहती हैं कोई भी बात। Well, I've written an open letter on it and I think it's been very well discussed, yeah. But thanks. We have read all the letters, we have heard all the comments, but you want me to explain? To sum it up, how do you see this entire havoc created in the industry, and how do you take this as? Like what I said, I've said everything I had to on that matter, and it's pretty much that. फिल्म सिमरन के डायलॉग राइटिंग को लेकर हुई थी काफी कंट्रोवर्सी। राइटर अपूर्व असरानी ने कंगना पर फोर्सफुली को राइटर क्रेडिट लेने का एलिगेशन लगाया था, लेकिन इन सभी एलिगेशंस का कंगना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट दैट होल थिंग दैट टुक प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई दैट देयर आर नो ड्यूज पेंडिंग। Somehow it's made to look like that someone's not, like Apurva has not been given his due, whereas we have done exactly what he asked for, and even we fail to understand. He's the one who suggested that I take additional credit dialogue, and after many months he decided to write this note just when Rangoon flopped and 2-3 people attacked me, which I thought was in a very bad taste and was very planned and extremely deliberate. सिमरन एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कभी हार नहीं मानती है। ऐसे में कंगना से पूछा गया कि रियल लाइफ में इस तरह के कैरेक्टर से कितना इत्तफाक रखती हैं? आप पर्सनल लाइफ में भी ऐसी हैं? या ऑन मेनी लेवल्स, जैसे कोई ना कोई किरदार में कुछ ना कुछ तो आपको आइडेंटिफाई करके यू हैव टू लेंड दैट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी टू योर कैरेक्टर। सो आई थिंक प्रफुल्ल की ये जो बात है कि वो चाहे किसी भी जगह को बिलोंग करे, लेकिन शी वॉन्ट्स टू मेक हर ओन प्लेस। All in all, इस इवेंट पर एक बार फिर नजर आया कंगना का बेबाक अंदाज। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। करण काजोल की हुई दोस्ती पक्की। काजोल के बर्थडे पर उनसे मिलकर खूब रोए करण जौहर। आखिर कैसे मिले ये दो बिछड़े दोस्त, देखिए इस फिल्मी रियूनियन की पूरी कहानी।
करण काजोल ने लंबी चली आ रही दुश्मनी को भुलाकर लगाया एक दूसरे को गले। एक दूसरे के गले लगकर रोए करण और काजोल। अपने बीच की सारी कड़वाहट भुलाकर करण काजोल ने एक दूसरे से की काफी देर तक बात। Well, करण काजोल की दोस्ती जिस फिल्मी अंदाज में टूटी थी, ठीक उसी तरह फिल्मी अंदाज में ये दोनों फिर से बन गए हैं दोस्त। सोर्सेस का कहना है कि काजोल ने अपने बर्थडे पर करण जौहर को भेजा एक पर्सनल इंटीमेट मैसेज और करण को बुलाया अपनी बर्थडे पार्टी पर, और करण भी अपनी पुरानी दोस्त की इस पर्सनल इमोशनल मैसेज पर रिएक्ट करने से खुद को रोक नहीं पाए और पहुंच गए काजोल से मिलने। जी हाँ, महीनों से चली आ रही दुश्मनी को काजोल के एक पर्सनल मैसेज ने खत्म कर दिया। और इसके बाद काजोल ने जहाँ करण के बेबीज की पिक्चर को सोशल मीडिया पर लाइक किया, वहीं करण ने सोशल मीडिया पर काजोल को फॉलो करना शुरू कर दिया। वैसे ये हर कोई कहा करता था कि काजोल और करण एक दूसरे से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकते, और ये बात इनकी इस दोस्ती से प्रूव भी हो चुकी है। मतलब साफ है कि काजोल अब फिर से नजर आएंगी करण की हर फिल्म में एक कैमियो करते हुए। आफ्टर ऑल, काजोल को मानते हैं करण अपना लकी चार्म। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। शाहिद कपूर के बढ़ गए हैं टैंट्रम्स। शाहिद के नखरे उठाना हो रहा है फिल्म पद्मावती के मेकर्स के लिए मुश्किल। कैसे पद्मावती के सेट्स पर शाहिद बने हुए हैं सबका सिरदर्द, लेट्स हैव अ लुक। शाहिद कपूर के बढ़ते टैंट्रम्स। शाहिद कपूर के बढ़ते नखरे। शाहिद कपूर पहुंचे सातवें आसमान पर। पद्मावती के सेट पर शाहिद ने थ्रो किए टैंट्रम्स। बॉलीवुड के हैंडसम हंक शाहिद कपूर आजकल मोस्ट अवेटेड पीरियड ड्रामा पद्मावती की शूटिंग में बिजी हैं, वहीं शाहिद कपूर आजकल इस फिल्म में एक्टिंग से ज्यादा किसी और खबर की वजह से हेडलाइंस में हैं। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, हमेशा कूल रहने वाले शाहिद आजकल अपने सेट पर थ्रो कर रहे हैं खूब टैंट्रम्स। शाहिद के इस एटीट्यूड की वजह से पद्मावती के सेट पर फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर्स और क्रू मेंबर्स को खूब परेशानी उठानी पड़ रही है। अपेरेंटली क्रू के मेंबर्स शाहिद के इस एटीट्यूड से काफी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि जब असिस्टेंट डायरेक्टर्स शाहिद को शॉट्स के लिए बुलाने के लिए उनके वैनिटी वैन पर आते हैं, तो शाहिद उन पर हो जाते हैं आग बबूला। इस वजह से शाहिद लगातार सेट पर लेट पहुंचते हैं। अपेरेंटली शाहिद के इस एटीट्यूड की वजह से अब असिस्टेंट्स और क्रू के लोग उन्हें अवॉइड करने लगे हैं और उनसे इंटरैक्ट भी नहीं करते, जिसके बाद शाहिद अब अपने हिस्से के शॉट्स के लिए सेट पर आते जाते हैं। खबर तो यहाँ तक है कि शाहिद के एटीट्यूड से स्पॉट बॉयज भी परेशान हैं। शाहिद उन्हें हमेशा चीजों की डिमांड्स करते रहते हैं, इवन खाने को लेकर उन पर अपना गुस्सा भी उतार देते हैं। Well, शाहिद, खबरों में रहना अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी एक्टिंग और डेडिकेशन की वजह से न्यूज में रहें तो बेहतर होगा। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। रोहित शेट्टी आए शाहरुख खान के सपोर्ट में। फिल्म जब हैरी मेट सेजल को बॉक्स ऑफिस पर मिले नॉट सो गुड रिस्पॉन्स पर रोहित ने कहा कि फिल्म फ्लॉप हो या हिट, एसआरके की मार्केट वैल्यू नहीं हो सकती कम। शाहरुख खान के सपोर्ट में आए रोहित शेट्टी। रोहित ने बढ़ाया शाहरुख की तरफ दोस्ती का हाथ। Well, फिल्म दिलवाले को बॉक्स ऑफिस पर मिले नॉट सो गुड रिस्पॉन्स के बाद खबर आई थी रोहित और शाहरुख के बीच आ गई हैं प्रॉब्लम्स, और रोहित के साथ किसी भी प्रोजेक्ट पर एसआरके नहीं करना चाहते काम।
लेकिन जब शाहरुख की फिल्म जब हैरी मेट सेजल के उम्मीद से कम बिजनेस करने पर रोहित से सवाल किया गया तो वो आ गए तुरंत शाहरुख के बचाव में। उन्होंने कहा, फिल्म्स ना चलने का मतलब ये नहीं कि शाहरुख खान नहीं रहे या सलमान खान नहीं रहे। ऐसा नहीं होता है, फिल्म्स के साथ हिट फ्लॉप होता रहता है, लेकिन खान्स का मार्केट वैल्यू कम नहीं होता है और ना ही उनके फैंस कम होते हैं। रोहित शेट्टी ने यहाँ जिस तरह से शाहरुख को खुलकर सपोर्ट किया, उसे देखकर तो यही लगता है कि शाहरुख और रोहित के बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और अभी भी वो SRK के साथ काम करने को है तैयार। चलिए अब रोहित के सपोर्ट पर शाहरुख कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग। ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। नेपोटिज्म डिबेट पर कंगना रनौत ने साधी चुप्पी। सैफ करीना तैमूर का कौन सा पिक्चर हुआ वायरल? ऑल दिस एंड मोर कमिंग अप इन आवर नेक्स्ट शो 30 में 30। दिस इज इट फॉर नाउ, वी'ल बी बैक टुमारो विद मोर बॉलीवुड जूस एंड स्कूप्स। अंटिल देन कीप वॉचिंग जूम, टर्न ऑन।